फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तीन प्रकार के चिल्ला बनाने जा रही हूँ। देखिए, आपने देख सकते हो ये चिल्ले कितने यम्मी बने हैं, खाने में बहुत ही मज़ा आती है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हो, अपने साथ भी कैरी कर सकते हो। अगर आप वर्किंग वूमन हो, घर में भी आप चाय के संग अगर खाओ तो खाने में बहुत ही मज़ा आती है। ये चिल्ला ठंडा भी हो जाए तो भी खाने में मज़ा आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो उसके अंदर मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप यहाँ पे बेसन ऐड किया है। बेसन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी का जो रवा आता है, वो रवा अगर आपके पास नहीं है तो आप सूजी को ग्राइंड करके मिक्सचर के अंदर उसे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहिए। अगर आपको क्रंचीनेस नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रवा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच हल्दी। उसके बाद हल्दी के बाद हम डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच, यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने कैरम सीड जो आता है, अजवाइन जिसे बोलते हैं, वो हमने हाथों से क्रश करके ले लिया है। तो इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, कम मसालों में ही ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये मसाला नॉर्मल वाला जो है मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट आता है वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे कूट कर लिया है। उसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप अगर फ्रेंड्स पॉसिबल हो तो उसे कूट कर ले, फ्रेश फ्रेश कूट कर लोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो मैंने ये ले लिया है, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो उसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा इसके अंदर कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे पानी। पानी ज़रूरत के हिसाब से हमें डालना है, क्योंकि आगे हमें इसके अंदर दही भी डालना है। तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करें और इसे लम्स फ्री बैटर बनाए, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमें बैटर रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर दही ऐड करना है। हमें 1 कप बेसन लिया है, तो यहाँ पे हम आधा कप फ्रेश कर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आधा कप यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद इसे हम ढककर रेस्ट पर रख देंगे इसे, तो अच्छे से ये बैटर फूल कर रेडी हो जाएगा खाने बनाने के लिए हमारा चिल्ला। तो इसे हम अब ढककर रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम दूसरी रेसिपी के लिए भी दूसरा वर्क करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी के लीव्स जो आते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने रेस्ट पे रखा है, मेथी का लीव्स यहाँ पे मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो दूसरे इंग्रेडिएंट यानी कि दूसरे जो वेजीज आते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बच्चे जो गाजर वगैरह नहीं खाते वो आप यहाँ पर घिस कर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ मेथी यूज़ किया है, क्योंकि अभी सीज़न है मेथी की और मेथी फ्रेश फ्रेश बहुत आ रही है। वैसे तो बच्चे मेथी नहीं खाते हैं, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इस प्रकार से हम बच्चे को ये मेथी भी खिला देंगे। तो देखिए, मैंने इसे रेस्ट पर रख दिया है। तब तक हम दूसरी रेसिपी के लिए भी वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर अब हम डाल देंगे 1 कप वाटर, नॉर्मल वाटर यहाँ पे डालेंगे। पानी को उबालेंगे, पानी जब अच्छे से उबल जाए तो इसके अंदर हम 1 कप गुड़ भी डाल देंगे। जैगरी जो आती है उसे मैंने अच्छे से कट कर ली है छोटे छोटे पार्ट में, तो जल्दी ये पिघल जाए इसलिए। तो मैंने ये गुड़ को इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर पिघल जाए। जब ये इसके अंदर बबल्स आने लगे पानी के अंदर, तभी हमें गुड़ ऐड करना है। फ्रेंड्स, रेसिपी को आप एंड तक स्किप किए बिना देखना, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, वरना अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दोगे तो आपकी रेसिपी प्रॉपर नहीं बनेगी। तो रेसिपी को स्किप करे बिना ही देखे एंड तक फ्रेंड्स, तभी मज़ा आएगी बनाने में। वरना आप कहोगे कि भावना, मेरी रेसिपी तो अच्छी नहीं बनी, कैसे बनेगी फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से हमने ऐड कर दिया है। अभी इसे हमें पिघलने तक
गरम करना है। जब ये पिघल जाए तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। देखिए अब इसे हमें दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लेना है, या फिर इसी के अंदर भी आप छोड़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है जो हमने पहले बनाया था। तो उसके अंदर अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स फिर से ऐड करेंगे। देखिए इसे अच्छे से पहले एक बार हिला लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली बन जाए। देखिए इस प्रकार से थोड़ा पानी ऐड कर देना है, उसके बाद अंदर थोड़ा सा हमें ऑयल भी ऐड करना है ताकि ये गले के अंदर अटके नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, एक नंबर फर्स्ट नंबर पे ये आता है ऑयल, और दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे हमें चुटकी भर मीठा सोडा ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड मीठा सोडा, जो चुटकी भर ही डालना है, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा जो चिल्ला है गले के अंदर अटके नहीं। अगर ये चिल्ला ठंडा भी हो जाएगा तो भी खाने में आपको मज़ा आएगी, वरना अगर आप इस चीज़ को स्किप कर दोगे तो आपका चिल्ला जो है आपको खाने में मज़ा नहीं आएगी, गले में अटकेगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आती। तो ये चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बैटर को हिला लेंगे। बैटर कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब तब तक यहाँ पर हम दूसरे पार्ट पे भी देख लेते हैं। हमारा ये पानी जो गुनगुना हो चुका है, ठंडा हो चुका है, हम देख सकते हैं इसे एकदम गुनगुना हो चुका है। तो अब इसे हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेते हैं, देखिए इसे अच्छे से, ताकि उसके अंदर जो भी गंध हो वो निकल जाए, क्योंकि जैगरी है ना, तो जैगरी के अंदर गंध होती है तो ये निकल जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक टिप्स देने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो देसी गुड़ आता है वो यूज़ किया है। अगर आप कोल्हापुरी यूज़ करोगे तो आपका चिल्ला एकदम वाइट वाइट बनेगा, अच्छा वाला, लेकिन अगर आप देसी गुड़ भी यूज़ करते हो तो भी चिल्ला आपका अच्छा बनेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बरियारी पाउडर एक चम्मच ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है जो शुगर का पाउडर आता है, वो जो नॉर्मल शुगर आती है उसे आप मिक्सर के अंदर क्रश करके ले सकते हो। तो वो शुगर पाउडर आप अगर यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ कर लोगे तो आपका चिल्ला जो है बहुत ही अच्छा बनेगा, वाइट वाइट ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमें देसी गुड़ यूज़ किया है तो वो चिल्ला हमारा वाइट नहीं बनेगा। यहाँ पे हम ये चीज़ ऐड कर देंगे तो चिल्ला हमारा अच्छा ही बनेगा। तो देखिए इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1 कप नॉर्मल वाला जो आता है हमारा गेहूं का आटा, वही हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। जो रोटी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वही 1 कप हमें ले लेना है और उसे इसके अंदर ऐड कर देना है, और उसे हमें लम्स फ्री बैटर बना देना है। देखिए इस प्रकार से पहले हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप पहले ही ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे तो हमारे बैटर के अंदर बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए पहले हमें थोड़ा ही पानी ऐड करना है और उसे लम्स फ्री बैटर पहले बना लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके उसे ऐड करते जाना है और बैटर को थोड़ा हमें लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ला देना है ताकि हमारा जो चिल्ला है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो। देखिए इस प्रकार से अब इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट हमें नहीं ऐड करना है। वैसे चाहो तो आप यहाँ पे जो काली मिरी आती है उसका कूट कर आप इसे अंदर डाल सकते हो। पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं आता है काली मिरी का, लेकिन अगर उसे आप कूट कर डालोगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बैटर भी रेडी हो चुका है, तो अब इसे भी हम ढककर रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम ये हमारा चिल्ला जो पहले बैटर बनाया था उसका बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, आप नॉर्मल तवी पे भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने इस पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है पहले, उसके बाद हम इसके अंदर पहला चिल्ला जो है हमारा बेसन का वो पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे, ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आप इसे चम्मच से या किसी और चीज़ से भी, ब्रश से भी आप इसके अंदर फैला सकते हो। वैसे अगर आप डाइट लवर हो तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये ऑयल भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है तो यहाँ पे ये चिपकेगा नहीं। अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑयल यूज़ करो, वरना आप ऑयल स्किप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाल के अच्छे से एक चिल्ला बना लिया है। चिल्ला आप
बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हो फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से ये चिल्ला खाने में सच में बहुत मज़ा आती है। गरम गरम आप अगर चाय के संग ले लो ना तो मज़ा ही आ जाती है फ्रेंड्स। एक बार ये बनता है बनाना तो एक बार ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट में इसको शेयर करें फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद उसके ऊपर मैंने जो ग्रीन ऑनियन आती है ना वो कट करके ले ली है। ग्रीन ऑनियन के पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्या किया है ग्रीन गार्लिक ग्रीन मैंने कट करके चॉप करके ले लिया है। उसे भी मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। उसके बाद उसे हमें स्पैचुला की मदद से इस प्रकार से दबाते हुए प्रेस करते हुए हमें इस चिल्ले को रेडी कर लेना है। देखिए इस प्रकार से ताकि वो निकल ना जाए। और फ्रेंड्स ये प्रोसीजर हमें तुरंत ही करना है वरना अगर चिल्ला रेडी हो जाएगा और उसके बाद ऊपर से आप डालोगे तो ये सारी चीज़ें अंदर ऐड नहीं होगी, वो निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तुरंत ही हमें ये चीज़ कर लेनी है। और साइड में उसके बाद हमने ऑयल स्प्रेड कर दिया है चारों ओर ताकि चिल्ला हमारा बनकर तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स उसे फिर हमें एक तरफ अच्छे से सिक जाए तो हमें उसे दूसरी तरफ पलटा देना है। दोनों ही तरफ हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन बना लेना है, ऑयल लगा लेना है और रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो चिल्ला है पहला वाला वो बनकर तैयार हो चुका है। कितना यम्मी बना है, खाने में तो मज़ा ही आ जाए ऐसा चिल्ला बना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसे हम सर्व करने के लिए प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा चिल्ला भी बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से इसे निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसी पैन के अंदर दूसरा चिल्ला भी रेडी करना है। और दूसरा चिल्ला बनाने के लिए हम वही बैटर यूज़ करेंगे जो पहला बैटर हमने बनाया था बेसन का, वही बैटर से हम दूसरा चिल्ला भी बनाएंगे दूसरे टेस्ट के अंदर। तो देखिए अभी इस पैन के अंदर थोड़ा सा फिर से हम ऑयल ग्रेस कर लेंगे। उसके बाद वही वही जो बैटर है उसी से हम फिर से चिल्ला बनाएंगे। दो चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है, बड़ा बड़ा चम्मच लिया है तो उससे हमने यहाँ पे बैटर अच्छे से फैला लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा थोड़ी सी वेजीज डालेंगे जैसे कि टमाटर, ओनियन, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बच्चे को देखकर ही मज़ा आए खाने में। तो बच्चे खूब ही मज़े से खाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चाहो तो चीज़ भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो आपने डालनी है ये सारी चीज़ें अच्छे से चॉप करके डालें ताकि बच्चे को खाने में मज़ा आए। ज़्यादा बड़ा काटोगे तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगी, तो चॉप अच्छे से करें फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से आप डाल दें। यहाँ पे आप चीज़ भी चाहो, पनीर चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। देखिए और धनिया पत्ता भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जो आता है वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे। पहले उसे स्पैचुले से हम दबाकर चिल्ले को पहले अच्छे से रेडी कर लेंगे वरना ये जो वेजीज है वो निकल जाएगी। अगर थोड़ा सा देर हो जाएगा तो चिल्ला नीचे से पक जाएगा तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होंगे वेजीज। तो इस प्रकार से हमें ये चिल्ला रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए उसके अंदर अब हम चाट मसाला और रेड चिलीज जो आती है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि दिखने में तो लाजवाब दिखे ही लेकिन खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दूसरा चिल्ला भी रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। एक ही बैटर में से हम दो प्रकार के चिल्ले इस प्रकार से बना सकते हैं। बच्चे को मज़ा आएगी खाने में, देखने में भी। तो देखिए साइड में हमने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है और इसे अच्छे से हम दोनों ही तरफ उलटाते पलटाते हुए सेक लेंगे। देखिए एक तरफ ये अच्छे से कुक हो चुका है तो अब हम इसे दूसरी तरफ टर्न करेंगे। ये जब साइड छोड़ दे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये एक तरफ सिक चुका है। और फ्रेंड्स जब भी आप ये चिल्ला बनाओ तो फुल गैस का उपयोग ना करें। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखनी है, ज़्यादा फुल नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें ये चिल्ला रेडी करना है फ्रेंड्स। ज़्यादा गैस को फुल रखोगे तो चिल्ला जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखनी है तभी हमारा चिल्ला बनेगा अच्छा वाला। देखो फ्रेंड्स एक तरफ से सिक चुका है, अभी हम दूसरी तरफ टर्न कर लिए तो दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देते हैं और फिर दूसरा चिल्ला भी हम इस प्रकार से बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स तो हमारा ये जो दूसरा वाला चिल्ला है
वो भी बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। अभी विंटर की सीज़न चल रही है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस विंटर में गरम गरम ये चिल्ला खाने में बहुत ही मज़ा आती है फ्रेंड्स। एक बार आप इस प्रकार से चिल्ला बनाकर देखो फ्रेंड, मज़ा आने वाली है। तो देखिए हमारा दूसरा चिल्ला भी रेडी हो चुका है, तो इसे भी हम प्लेट के अंदर सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं इस प्रकार से। देखिए अभी हम यहाँ आगे तीसरा वाला चिल्ला जो हमने रेडी किया है वो बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उसी बैटर से, मतलब कि जो हमने आगे बनाया है उस बैटर से बनाएंगे, लेकिन पैन वही यूज़ करेंगे, दूसरा पैन यूज़ नहीं करने वाले, इसी पैन के अंदर हम बनाएंगे। इसके अंदर हम फिर से ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। वैसे फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, अगर आप डाइट लवर्स हो, डाइट कर रहे हो, तो आप ये कोई भी चिल्ला तीन में से एक बनाओ तो यहाँ पे आप ऑयल या घी स्किप कर सकते हो। और ये जो हम तीसरा चिल्ला बनाने वाले हैं स्वीट वाला, वो घी के अंदर पकता है, तो बहुत ही लाजवाब बनता है खाने में, तो बहुत ही मज़ा आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है 1 चम्मच, और उसके अंदर वो जो बैटर है वो बैटर हमें लिक्विड ही रखना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने वो बैटर यहाँ पे फैला दिया है ताकि हमारा चिल्ला जो है बनकर तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स जब भी बैटर डालो तो इसे हमें 2 मिनट के लिए कुक करना होता है, 2 मिनट में ये चिल्ला एक साइड कुक हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हमने इस प्रकार से फैला लिया था, तो देखिए फ्रेंड्स और ये फिर ये वन रेडी हो साइड चुका है, अच्छे वन से हो साइड चुका है। और ये आप देख सकते हो कि तवे पे से सेपरेट हो चुका है, मतलब ये सिक चुका है। अभी हमें इसे दूसरी तरफ टर्न कर दिया है फ्रेंड्स। ये चिल्ला जो है ना खाने में इतना मज़ा आता है बच्चों को और हमें भी, इसे और घी के अंदर अगर आप पकाओगे तो बहुत ही मज़ा आने वाली है। इसकी खुशबू टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दोनों ही तरफ से एक लिया है और फिर उसे हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर और इसे हम सर्व करेंगे। तो ये चिल्ला खाने में ऐसे ही बहुत मज़ा आती है। इस चिल्ले के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही आप खा सकते हो इस चिल्ले को। और दूसरे चिल्ले को मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी और मायोनीज के साथ में सर्व किया है। आप चाहो तो टोमेटो केचप या शेजवान चटनी या फिर चाय के संग इसे एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ा आने वाली है, आप जिसके भी साथ खाओगे मज़ा आने वाली है। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी